शिव बिहार में फांसी लगाकर युवक ने की खुदकुशी। मां के शोर मचाने के बाद शव को पड़ोसियों ने पंखे से नीचे उतारा। जीटीबी अस्पताल में हुआ पोस्टमार्टम। पुलिस ने शव परिजनों को सौंपा। पुलिस मामले की कर रही है जांच। नेता विपक्ष ने बीजेपी पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। नेता विपक्ष ने कहा कि रिटायर कर्मचारियों को दी जाती है अहम जिम्मेदारी, काम होते नहीं बीजेपी भुगतान कर देती है। राम विहार में धीरे धीरे स्कूल में बढ़ रही है बच्चों की संख्या। स्कूल ट्रांसपोर्ट ना चलने से बच्चों को हो रही है परेशानियां। स्कूल आने में कई बार बच्चे हो जाते हैं लेट। प्रियदर्शनी बिहार में कोरोना नियमों के साथ मनाया जा रहा है 20वां गणेश उत्सव। स्कूल के बच्चों ने नृत्य कर प्रस्तुत की वंदना। और फ्रेंड्स कॉलोनी में टूटी सड़क से लोग हो रहे हैं परेशान। बारिश हो जाने के बाद सड़क पर भर जाता है पानी। लापरवाही के चलते लोग हो रहे हैं परेशान। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीसीएन में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान और आप देख रहे हैं पूर्व दिल्ली खास। अब होते हैं रूबरू पूर्व दिल्ली की अहम खबरों के साथ। आजकल लोग छोटी सी बात पर आत्महत्या कर अपनी जिंदगी को समाप्त कर लेते हैं। शिव बिहार में एक युवक ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली है। परिजनों का कहना है कि मृतक डीटीसी में कार्यरत था। मृतक अकेला ही बेटा था। हादसे में के वक्त घर में सिर्फ माँ ही मौजूद थी। पिता काम पर गए हुए थे। माँ के शोर मचाने पर पड़ोसी मौजूद हुए, फिर उन्होंने युवक को पंखे से नीचे उतारा। पुलिस ने शव का जीटीबी अस्पताल में पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है और आगे की जांच में जुट गई है। अब मैं तो काम पे गया हुआ था, मैं तो घर भी नहीं था। मम्मी थी, अब कुछ पता नहीं क्या टेंशन लेके बैठ गया, क्या नहीं कैसे करी क्या। पंखे में बांध रखा था धोती, पंखे में धोती बांध, पुलिस वालों ने उतारी आके। बाकी अड़ोसी पड़ोसियों ने मेरे ने देख ही गए, कुछ जान हो या जैसे पता लगी तो उन्होंने काट दी थी। आपको कितने बजे पता चला था? मेरे को काम पे था तो जब सबने देखा 11 बजे करीब जब ही पता लगी। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, सबसे घर में सबसे बातचीत करी है, अपने भाइयों से भी करिए, चाचा ताऊओं से सबसे। डीटीसी में था हम, जैसे हमें पता पड़ी उस वैसे ही अपने घर से उनको देखने के लिए चले आए हम, अपने भाई को। मेरे को रात को 1 बजे पता चली थी, जैसे ही टाइम और 2 बजे घर में उनको पहुंचा। जैसे घर में 2 बजे पहुंचा तो मेरा भाई नीचे ख़त्म हुआ पढ़ा था। मोहल्ला प्रिंसिपल ने उसको उतार दिया और फिर मैंने जाकर देखा तो मेरा भाई ख़त्म हो चुका। नहीं कोई ड्रिंक नहीं, कोई पान तम्बाकू बीड़ी कुछ नहीं। बहुत अच्छा लड़का था, हमसे खूब हंसी मजाक घुल मिल के भी रहता था, बहुत प्यार करता था वो। कभी हमें ऐसा शक नहीं हुआ उसको कि हमारे साथ ऐसा कर लेगा या कर लेगा, कोई भी कोई कैसी बात नहीं थी। ईस्ट एमसीडी के नेता विपक्ष मनोज त्यागी ने बीजेपी पर भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया है। नेता विपक्ष ने कहा कि क्वालिटी कंट्रोल विभाग जो सड़कों की और बिल्डिंगों की गुणवत्ता को चेक करती है, उसमें बीजेपी हेराफेरी कर रही है। बीजेपी रिटायर्ड लोगों को अहम जिम्मेदारी देती है, काम होते नहीं है बीजेपी भुगतान कर देती है। गुणवत्ता को चेक करने की जिम्मेदारी इस क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट की होती है, लेकिन उसके बावजूद भी इनको भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की इशारे पर या उनकी दया दृष्टि पर कहें, उनको दोबारा से इसी विभाग के अंदर लगा दिया गया। और इस विभाग के अंदर मैं आपको बता दूं इनका क्या काम होता है। इनका सैंपल उठाने का काम होता है, जो सड़क बनती है उसकी क्वालिटी को उठा करके चेक करने का काम होता है। उन सैंपल को जब उठाया जाता है तो उस पर इसी अधिकारी का ए लेवल के अधिकारी के साइन होते हैं, जहाँ पे आज एच खान बैठे हैं। और आज भी जो सैंपल उठाए जा रहे हैं उस पर एच खान के हस्ताक्षर होते हैं। इसके बाद जब इसकी फाइनल रिपोर्ट तैयार होती है उस पर भी ए लेवल के अधिकारी के हस्ताक्षर होते हैं, जहाँ पे आज एच खान बैठे हैं उस पर भी इन्हीं के हस्ताक्षर हो रहे हैं। और हालांकि ये रिटायर्ड कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय हैं, सलाहकार के रूप में रखे गए हैं, उसके बावजूद इन्हीं के हस्ताक्षर उस पर हो रहे हैं। ये बहुत ही खेदजनक है। इससे साफ पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने रिश्तेदारों जो ठेकेदार हैं
जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं अपने रिश्तेदारों की पेमेंट कराने के लिए या उन ठेकेदारों की पेमेंट कराने के लिए जो उनके कार्यकर्ता हैं या जो उनसे संबंध रखते हैं उनकी पेमेंट कराने के लिए खासकर विशेष तौर से एएच खान को इस सीट पर लाए हैं ताकि उन कामों की भी पेमेंट हो सके जो काम ग्राउंड पे हुए हो या ना हुए हो। स्कूल खुलने के साथ ही बच्चों का स्कूलों में आना शुरू हो गया है और हर रोज बच्चे बड़ी संख्या में बढ़ोतरी भी देखी जा रही है। लगातार बच्चे स्कूलों में बढ़ते जा रहे हैं लेकिन स्कूलों की तरफ से अभी तक कोई ट्रांसपोर्ट सेवा शुरू नहीं की गई है जिससे स्टूडेंट्स को या तो उनके पेरेंट्स लेने या छोड़ने जा रहे हैं या फिर वो खुद ही स्कूल आ जा रहे हैं, जिसकी वजह से पेरेंट्स को भी परेशानियां हो रही हैं जो दोनों ही वर्किंग हैं और बच्चों को कोई स्कूल छोड़ने नहीं जा पा रहा है। वहीं अकेले जाने वाले बच्चों को भी डर लगता है, साथ ही रोज़ ट्रांसपोर्ट के लिए इंतज़ार भी बच्चों को करना पड़ता है। पूरी क्लास को तो स्कूल वाले बुला नहीं रहे हैं, जैसे अल्टरनेटिव डेज में अगर 35 स्टूडेंट्स हैं तो 17 बच्चों को एक दिन बुलाया जा रहा है, 17 को एक दिन, उसमें से भी पेरेंट्स आधे में से भी आधे, अब जैसे कल मेरी बेटी आई थी 20 बच्चों को बुलाया हुआ था तो सिर्फ 5-6 स्टूडेंट्स ही आए हुए थे। अब उसमें अब पेरेंट्स ने अलाउ ही नहीं किया है बच्चों को कि वो स्कूल आए तो फिर ट्रांसपोर्ट का क्या वो बनता है फिर, जब पेरेंट्स भेज ही नहीं रहे। अब 5 बच्चों के लिए स्कूल प्रोवाइड नहीं कर सकता और अगर करे भी तो उसमें से 3 लोग जो है वो खुद से पिक एंड ड्रॉप कर पा रहे हैं, अब 2 बच्चों के लिए तो मुश्किल है। बाकी जो लोग वर्किंग है ऑब्वियस है कि उन लोगों को तो मुश्किल हो रही है, हो सकता है उन लोगों में से कुछ पेरेंट्स भेजना भी चाह रहे हो ट्रांसपोर्ट की वजह से ना भेज पा रहे हो। लॉकडाउन से पहले स्कूल बस थी उससे आता था, अब अपने कन्वेंस से आ रहे हैं जैसे अपने स्कूल। अभी तो कोई परेशानी नहीं है, स्कूल व्हीकल है तो कोई परेशानी, जिसके पास व्हीकल नहीं उसको तो परेशानी होती है, जैसे रिक्शा से कोई आता है कोई टैक्सी से आता है तो उनको दिक्कत होती है, उनके लिए बहुत परेशानी है, बहुत परेशानी है। जैसे मैं ही हूँ, मेरा बिजनेस है तो मैं बिजनेस छोड़ के आना पड़ रहा है बच्चों को लेने, टाइम टू टाइम जैसे 12 बजे का टाइम है तो आधा घंटा पहले निकलना पड़ता है, आना ही पड़ता है बच्चों को लेने। मैं अपने व्हीकल से आ रही हूँ अपने आप अकेले, आई हैड अ वैन, मैं वैन में आती थी, ट्रांसपोर्ट था लेकिन ड्यू टू सोशल डिस्टेंसिंग वैन बंद हो गई और स्कूल ट्रांसपोर्ट भी नहीं है। प्रॉब्लम हो रही है, मतलब सबका अलग अलग केस होता है तो कुछ बच्चों को हो रही है, कुछ बच्चे नहीं आ सकते, उनके पेरेंट्स नहीं छोड़ने आ सकते या फिर उनको व्हीकल चलाना नहीं आता है, कुछ भी है। हाँ अच्छा रहेगा बट थोड़ा रिस्क और बढ़ जाएगा क्योंकि स्कूल बस में, बट तभी मैं आ जाती लेकिन वो प्रॉब्लम नहीं आ रही। अब तो बहुत प्रॉब्लम होती है बिकॉज लाइक पहले बस थी तो अब बहुत बार होता है कि घर पर कोई अगर नहीं है अवेलेबल तो वो छोड़ना नहीं आ पाता, लाइक वैसे ही हम बस के थ्रू आते हैं तो जैसे कि अब ऑफलाइन ज़्यादा यू नो मतलब कंपेटेबल होती है एज़ कम्पेयर टू ऑनलाइन क्लास। सो लेकिन जब हम ऑफलाइन करते हैं ना एक बार को आके तो ज़्यादा कंफर्टेबल होता है, बट ऑनलाइन के अंदर ऐसा अब स्कूल कैसे आओगे, या तो बाय बस आओगे या फिर किसी के साथ आओगे। पर अब मेरे मतलब फैमिली में नहीं है अलाउड कि घर पे आओ स्कूल पे आओ अकेले, सो इसलिए मेरे को आते हैं छोड़ने, बट अगर कोई घर पे नहीं है तो फिर कैसे होगा मैनेज, तो फिर ऑनलाइन होगी ना, और ऑनलाइन प्रॉब्लम आती है लाइक कभी नेट चला गया वाईफाई हो गया तो बहुत चीज़ें आती हैं। अभी खुद से ही आता हूँ, सुबह ओला ले ली और शाम को खुद से रिक्शा लेके जाता हूँ। मैं कृष्णा नगर। पहले क्या स्कूल ने बस प्रोवाइड कराई थी? पहले हाँ, मैं प्राइवेट वैन से आना जाना होता था, बाकी स्कूल का जो ट्रांसपोर्ट था मेरे मैक्सिमम 2 स्कूल बस से आते थे। हाँ अब बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम हो रही है, जैसे सुबह बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है रिक्शा ढूंढने में ओला में, और भी अभी शाम को बहुत ज़्यादा रिक्शा ढूंढने में दिक्कत आती है। हाँ पेरेंट्स को भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। एक होता है जैसे नॉर्मली जैसे फेयर को ही ले लो आप, जैसे प्राइवेट वैन होती थी उसका फेयर कम होता था, अभी रिक्शे से जाते उसका डबल फेयर होता है। हाँ पहले अभी के टाइम पे बहुत ज़्यादा डर लगता है, इसलिए घर वालों ने फ़ोन प्रोवाइड किया आने जाने के लिए, कॉन्टैक्ट रखने के लिए। गणेश उत्सव का महोत्सव शुरू हो चुका है, कोरोना को देखते हुए आयोजकों ने इस महोत्सव में सख्त नियम बनाए हैं। पूर्व दिल्ली के प्रदर्शनी बिहार में बड़े हर्षोल्लास के साथ लोग गणेश जी की वंदना कर रहे हैं, स्कूलों के बच्चों ने नृत्य कर वंदना प्रस्तुत की है। इस मौके पर बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्याम जाजू, लक्ष्मीनगर से विधायक अभय वर्मा भी मौजूद रहे और उन्होंने गणेश जी का गुणगान किया। गणेश महोत्सव 10 दिन तक चलेगा, आयोजकों ने कोरोना को लेकर सख्त आदेश दे रखा है, ज़्यादा लोगों को आने की कोई परमिशन यहाँ पर नहीं दी गई है। नियम का पालन करने के कारण ही
ये बंद कैंपस में पूजा हो रहा है क्योंकि प्रशासन ने स्पष्ट कहा है कि आप ओपन पूजा नहीं कर सकते, तो परिवार के लोग ही मिलकर पूजा कर रहे हैं, कोई भी पब्लिक गैदरिंग नहीं है, कोई भी अननोन लोगों की एंट्री नहीं है। और यहाँ एक ये भी प्रयास किया गया है कि जिनका वैक्सीनेशन हुआ है वो ही आए, तो निश्चित रूप से जो कोविड का डिसिप्लिन है उसको मेंटेन करके ये पूजा किया जा रहा है। लगातार ये 20वां वर्ष है, 18 वर्षों तक पूरे 11 दिन का यह उत्सव डीडीए मिनी स्टेडियम बैंक एनक्लेव में होते आया है, लेकिन कोरोना जैसी महामारी के बाद में पिछले वर्ष भी हमने इसी प्रेमिसेस में यहाँ पे गणेश उत्सव साजरा किया था, क्योंकि हम दिल्ली गवर्नमेंट के जो कल निर्णय आया उसके लिए हम उसका स्वागत करते हैं, उसी को ध्यान में रखते हुए हमने आम जनता के लिए फेसबुक लाइव और दर्शन, क्योंकि लाखों लोग इस मंडल से जुड़े हुए हैं और उनको सबको अपना भारत देश रिलीजियस देश है तो उनको सबको इसका अवसर मिले, ऐसा हमने फेसबुक लाइव से दर्शन किया है। पिछले 20 साल से हम ये कार्य कर रहे हैं, बहुत सूक्ष्म रूप से ये कार्यक्रम इस साल हो रहा है, लेकिन पहले जो 20 साल हम कार्यक्रम करते थे हमारी डेली की 8 से 10 हज़ार मिनिमम लोगों की गैदरिंग होती थी दर्शन करने के लिए, जो कि आज हम लोग 40-50 लोगों के बीच में ये कार्य कर रहे हैं। पूर्व दिल्ली की कई सड़कें आज भी अपनी बदहाली की दास्ता को खुलकर बयां कर रही हैं। मानसरोवर पार्क के नीचे वाला रास्ता जो फ्रेंड्स कॉलोनी में आता है वो टूटा पड़ा है, जिससे आए दिन हादसे होते रहते हैं, जिससे लोगों को आने जाने में भी तमाम तरह की परेशानियां होती हैं। सबसे ज़्यादा परेशानी टू व्हीलर्स वालों को होती है, बारिश के दौरान सड़क के गड्ढों में पानी भर जाता है, जाम से भी लोग काफ़ी परेशान रहते हैं। राहगीरों का कहना है कई बार इसकी शिकायत हम लोगों ने प्रशासन से की पर इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सड़क तो खैर टूटी हुई है, इधर भी और उधर भी चारों तरफ टूटी हुई है, एक जाम बहुत लगता है, यहाँ आते हैं ट्रैफिक वाले देख के चले जाते हैं, कोई सुनवाई नहीं। ये तो जब से बारिश स्टार्ट हुई है जब से टूटी पड़ी है पहले से ही, इनका कोई अंदाज़ा नहीं है, 2 फुट का है, 1.5 फुट का है, 1 फुट का है, इनका पता कुछ नहीं कितने कितने गड्ढे हैं। गाड़ियाँ लगी रहती हैं, बड़ी बड़ी ट्रक लगे रहते हैं, इधर भी बाहर भी जाम लग जाता है बहुत। बारिश के चक्कर में गड्ढे हो गए, बारिश से ही हो गए, गाड़ी निकलती है ना तो हो जाता पानी भरा, थोड़ा थोड़ा गड्ढे थे, ज़्यादा हो गए, इसमें बनी नहीं बहुत दिन हो गए, तो ये तो काफ़ी हो गया, साल भर तो ऐसे गड्ढे हमें ही हो गए, बरसात में तो पानी भर जब हो रही हो और गड्ढे हो जाएंगे, क्यों छोटे आंधी वगैरह होते हैं गड्ढा वगैरह पलट जाती है, रिक्शे पलट जाते हैं इसमें नहीं देखेंगे भरे पानी में, सड़क की हालत इतनी ख़राब है कि यहाँ मोटरसाइकिल वगैरह अक्सर पलट जाती है, मोटरसाइकिल वगैरह जो होती है, और ये पार्किंग जो है यहाँ इसकी दिक्कत होती है, गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं यहाँ पर, गाड़ियाँ बड़ी तो गाड़ियाँ नहीं लेकिन मोटरसाइकिल स्कूटर वालों को दिक्कतें बहुत होती हैं, बरसात के टाइम में होती है ज़्यादातर कि पानी भर जाता है रोड टूट जाता है, हाँ पानी में पता ही नहीं चल पाता मैम कि कहाँ पर गड्ढा है कहाँ पर नहीं है, उसकी वजह से दिक्कत होती है। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण से निपटने के लिए विंटर एक्शन प्लान बनाया है, इस पर आप विधायक का कहना है कि केजरीवाल सरकार प्रदूषण को खत्म करने के लिए रणनीति बना रही है, इस बार दिल्ली वासियों को प्रदूषण से राहत मिलने वाली है। वहीं बीजेपी विधायक अनिल वाजपेयी का कहना है कि केजरीवाल जनता को गुमराह करने के लिए नई नई योजना बना रही है, हर साल कुछ नया लेकर आते हैं और केवल प्रचार करके चले जाते हैं। वहीं कांग्रेस नेता नरेंद्र नाथ का कहना है कि केजरीवाल सरकार ऑड इवन से लेकर जापानी मशीन स्मोक टावर तक लेकर आए लेकिन सभी विफल हो गए, अरविंद केजरीवाल केवल सरकारी पैसा बर्बाद करते हैं और प्रचार करते हैं। अरविंद केजरीवाल तो हमेशा ऐसे प्लान बनाते रहते हैं, पिछली बार वो प्लान बना रहे थे कि जब वो पराली जलाई जा रही थी उन्होंने एक मशीनें मंगवाई, बोले ये जापान की मशीन है और ये प्रदूषण ख़त्म करेगी, पूरी दिल्ली में लगाया जाएगा और हर विधानसभा में लगाए जाएंगे। आज मैं केजरीवाल से कहता हूँ कि जो मशीन वह आपने मीडिया वालों को बोल के दिखाई थी, दिल्ली की जनता को उसके दर्शन तो करा दो, कहाँ चली गई ये मशीन, वो ये तो बड़बोले बयान देती रहती है, सरकार करते कुछ नहीं है मीडिया को दिखाने के लिए और जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम करते हैं। कितने स्मार्ट टावर लगवाए, जब वो जीत के आए बोले अब की बार हर विधानसभा में स्मार्ट टावर लगवाए जाएंगे, एक स्मार्ट टावर अगर अरविंद केजरीवाल ने लगवाया हो तो बताएं। ये हर बार यही कहते हैं कि पॉल्यूशन खत्म हो जाएगा, पॉल्यूशन कभी ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि जो भी ये स्कीम ला रहे हैं सारी स्कीमें अब तक फेल हुई हैं इनकी, पहले नॉट इनेबल लाए, उसके बाद रेड लाइट ऑफ स्विच ऑफ वो स्कीम फेल हो गई, उसके बाद इन्होंने पावर टावर लगाए, प्यूरिफिकेशन प्लांट लगाए, आनंद विहार में देखो लगे हुए बंद पड़े हुए हैं, तो ये जो तमाशा कर रहे हैं तमाशा करने से कोई फ़ायदा नहीं है, करोड़ों रुपया विज्ञापन में खर्च कर देते हैं कि हमने ये कर दिया हमने ये कर दिया हमने ये कर दिया, लेकिन उसका रिजल्ट बिल्कुल ज़ीरो आता है। केजरीवाल सरकार बिल्कुल झूठा प्रचार करती है, झूठी सरकार है, और ये ईमानदारी की बात यह है
आज अगर नरक दिल्ली को बनाया तो वो केजरीवाल सरकार ने बनाया। हमने तो वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने की बात की थी, लेकिन इसे दिल्ली को नरक बना दिया। देखो, दिल्ली गवर्नमेंट ने एक एक्शन प्लान बनाया जिसमें सड़कों के साइडों में जितना पोल्यूशन होता था उसके लिए एक्शन प्लान तैयार हो रहा है, तो थोड़े दिनों में स्टार्ट करेंगे जिससे दिल्ली में पोल्यूशन बहुत कम होगा। सर देखिए, मैंने भेजा हुआ रिक्वेस्ट भेजी हुई है, जहाँ जहाँ उसे समझेंगे, अभी एक लगाया हमने तो वो भी लगाएंगे, पक्का लगाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल राहत मिलेगी पोल्यूशन से, सरकार उसके ऊपर कार्य कर रही है। दिल्ली सरकार तो हर क्षेत्र में कार्य कर रही है, बाकी लोग नज़र नहीं आ रहे हैं, कहाँ पे हैं, कहाँ छुपे हुए हैं, पब्लिक में क्यों नहीं आ रही है लोग। दिल्ली में अगले साल के शुरू में होने वाले निगम चुनाव की तैयारियाँ जोरों पर हैं, जिसको लेकर पार्टियों ने तैयारियाँ शुरू कर दी हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्याम जाजू ने कहा कि आने वाले निगम चुनाव में बीजेपी की शानदार जीत होगी, हम लोगों ने तैयारियाँ शुरू कर दी हैं और दिल्ली की जनता भी जानती है कि कौन काम करता है और कौन प्रचार ज़्यादा करता है। दिल्ली ये भारतीय जनता पार्टी का पुराना गढ़ रहा है, हमारे सातों सांसद हमारे हैं, तीनों भी निगमों में हमारा राज रहा है और दिल्ली की जनता रियलिटी जानती है, काम करने वाले कौन है और पब्लिसिटी करने वाले कौन है। निश्चित रूप से आने वाले निगम के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी मेजॉरिटी से जीतेगी। दिल्ली को काम करने वाले और अच्छे लोग दिल्ली में जीत कर आए और वो दिल्ली का विकास करे, ये आज की हमारी भगवान के शुभचरणी प्रार्थना है। और पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप यूट्यूब पर जाकर CCN लाइव को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।